हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड, जैसे कि आपको कल मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था कि एनएमडीसी की जो रिटन टेस्ट के लिए जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट उन्होंने जारी कर दी। उसमें अभी जो फील्ड अटेंडेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, अभी तक तो उसकी लिस्ट जारी नहीं की गई है, लेकिन उसकी भी लिस्ट अब जल्दी ही जारी कर दी जाएगी। तो इससे ये तो पता लग रहा है कि अगर लिस्ट आ गई तो एग्ज़ाम आपका जल्द ही कंडक्ट कराने वाली है एनएमडीसी। ये मान के चलिए कि 20-25 दिन, 1 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि फील्ड अटेंडेंट 70 नंबर के जीके ही आना है, तो जीके पे ज़्यादा हमको फोकस करके चलना है। 30 नंबर का आपका मैथ और रीजनिंग आएगा, मैथ और रीजनिंग को भी कवर किया जाएगा। तो आप लोग की डिमांड पे फिर से इसी क्लास स्टार्ट करी जा रही है, जो बीच में से क्लास मैंने बंद कर दी थी क्योंकि पेपर की डेट वगैरह आ नहीं रही थी, तो पढ़ाने में उतना मज़ा भी नहीं आ रहा था। ठीक है, तो यह आपका मॉक टेस्ट नंबर 1 होगा। इसमें रिवीजन क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं, जो पैटर्न में चल रहे हैं, हम उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। हमें अनसर्न क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना। हमें वो क्वेश्चन पढ़ने हैं जिससे हमारा सिलेक्शन हो, हमें सिलेक्शन चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, मेरा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हम वीडियो के पीडीएफ वगैरह जो नोटिस होते हैं मैं वहाँ प्रोवाइड आपको कराता हूँ, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अच्छे अच्छे एग्जाम में इस सवाल को पूछा गया है। मतलब इवन तो IAS लेवल के पेपर हुआ है उसमें भी सवाल को पूछा जाता है, आज भी समझ लीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैंने फर्स्ट नंबर पर प्रायोरिटी क्वेश्चन को दिया है मैंने। और क्वेश्चन बाईलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो कोई शिकायत नहीं करेगा कि सर आप हिंदी में पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड, पोलो खेलते समय जिस सुल्तान की मृत्यु हुई थी वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही वही व्यक्ति है जिसने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। ये क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में, गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी, तब आप आंसर लगाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कब की थी? 1206 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो फ्रेंड, आप सबको पता है हर स्टेट में गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका इलेक्शन तो होता नहीं है, उनकी नियुक्ति करी जाती है, उनको अपॉइंट किया जाता है। तो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट। और वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है वो आप जानते हैं, श्री रामनाथ कोविंद जी, 14वें नंबर के हमारे प्रेसिडेंट हैं। अब आपके लिए यहाँ से एक होमवर्क क्वेश्चन ये है कि छत्तीसगढ़ का इलेक्शन है, तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं उनका दोनों का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखें आप लोग कितने अवेयर हैं इसको लेके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इवेंट अगर रेलवे का आपने फॉर्म भरा है ग्रुप डी का, उसमें सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, ठीक है ना। और है इस सवाल में कुछ नहीं, इसमें दो टाइप के सवाल बनते हैं, मैं आपको दोनों टाइप के सवाल आपको बताऊंगा अभी। तो यहाँ पूछा गया कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, दोनों गैस हम जानते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO, और नाइट्रोजन का जानते हैं N2। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे एक सवाल और बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, अगर ये हाइड्रोजन कर दिया यहाँ पे H2 कर दिया तब आपका क्या हो जाएगा? तब आपका जल गैस हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में सेम रहेगा, अगर नाइट्रोजन जोड़ दिया तब आपके प्रोड्यूसर गैस बनेगी, और अगर हाइड्रोजन जोड़ दिया तो आपकी जल गैस बनेगी यानी वाटर गैस बनेगी। और दोनों ही सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। अगला सवाल है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का, ये तो आप सब जानते हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि आदमी की आवाज़ थोड़ी भारी होती है, लेकिन जो महिलाओं की आवाज़ होती है वो थोड़ी मतलब मधुर होती है। देखिए बहुत सारे सोना बाबू उतर आ रहा था और बात करते रहते हैं अपने बाबू से, ठीक है, तो क्यों बात करते हैं? आवाज़ बड़ी प्यारी लगती है, कहते हैं आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी लग रही है, थोड़ा गाना सुनाइए, ये करिए वो करिए, वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं एक्चुअली ऐसा करके। और लोग आज के टाइम में अपनी लाइफ ज़्यादा इसी चीज़ें बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल हमें उस चीज़ पर नहीं जाना, हमें क्वेश्चन पर जाना है। तो साइंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा क्यों होता है कि आदमी की आवाज़ भारी होती है और औरत की आवाज़ सुरीली होती है? उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है क्या, कि तारत्व अधिक होता है यानी हैव ए हायर स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर टी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ से एक सवाल आपका और बन गया कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ये सवाल पूछा जाता है यार, जरूर पूछा जाता है एग्जाम से, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सत्याग्रह हुए, आंदोलन हुए, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, इसके मतलब सशक्त नेता कौन थे?
वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ऑप्शन नंबर सी। और आप सबको पता ही है इनके जन्मदिवस 31 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे हम मनाते हैं, ठीक है ना, तो इन्हीं के जन्मदिवस हम मनाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हर एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो जो वंदे मातरम सब जानते हैं ये किस अधिवेशन में गाया गया था, ये तुम आपको ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। वो अधिवेशन हुआ कब था, वही सवाल हमसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है 1896, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे, कोलकाता में। ये कोलकाता में अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के, आपको इन्होंने पढ़ाया था कांग्रेस से बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, जो मेरे कंटिन्यू सब्सक्राइबर उनको तो पता है ये सब चीज़, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको, क्योंकि रिविजन क्लास चल रही है अब आपकी, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो बॉम्बे में हुआ था। कब हुआ था, 1885 में। और उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी ब्योमेश चंद्र बनर्जी, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, था मोस्ट इंपॉर्टेंट आजादी का लक्ष्य हमने रखा था, लेकिन नहीं हो पाई थी, इस वजह से हम इसी युद्ध में अंग्रेज गए। तो कानून था वो अंग्रेज पता था, बाद में महाराणा अलग के अंडर में चला गया सारा, क्योंकि इंडिया में बहुत शुरू कर, गवर्नर जनरल था वो था हमारा लॉर्ड कैनिंग। और इसके नायक जानते हैं, मंगल पांडे जी का नाम आपने सुना है, इसे मूवी बन चुकी है। और ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये मेरठ से शुरू हुआ था आपका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, तो सबको पता है भैया प्रधानमंत्री को संविधान में किस आर्टिकल में कहा गया है, और संविधान जो एग्जाम से पहले, ताकि आपका सब चीज वहां कंफ्यूजन, आर्टिकल में मैक्सिमम संविधान में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी के लिए थे अनुच्छेद 75, यानी आर्टिकल 75, ऑप्शन नंबर सी। और वर्तमान में हमारे पीएम कौन है, सब जानते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये कुद्रेमुख जो आयरन माइन है ना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माइन हो जाती है हमारे लिए। और यहाँ का जो ज़्यादातर जो इस्पात है, लोहा है, वो हम जापान को भेजते हैं यहाँ से, विशाखापट्टनम के पोर्ट के द्वारा यहाँ से जाता है सारा, ठीक है ना। ये कहाँ पर है कुद्रेमुख, ये आपका पड़ता है कर्नाटका स्टेट में। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है, यानी मार्बल आप देखते हैं ना। तो ये तो आपने नाम सुना भी होगा, आप लोग घरों में ये होगा भी, आज अगर आप लोग घर में मार्बल लगा होगा तो आपने जरूर उसका नाम सुना होगा। आपने जगह सुनी होगी मकराना, राजस्थान में जगह पड़ती है मकराना, वहाँ का मार्बल बड़ा फेमस माना जाता है, और बहुत महंगा ही मतलब अच्छी क्वालिटी का मार्बल माना जाता है, ठीक है ना। ये थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मकराना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और मार्बल रसायन उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सुब्रतो कप किससे संबंधित है। आप सबको पता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आज के टाइम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। अभी जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उस पर भी सेपरेट वीडियो मैं अभी आपको देने वाला हूँ। अभी बहुत सारे जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको अर्जुन अवार्ड मिला है, किसी को मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है, करंट अफेयर में ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा एग्जाम से, सब मैं आपको कवर करवाऊंगा। मतलब जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं, जहाँ से पेपर पूछा जाता है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है तो मुझे पता है कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो वो क्वेश्चन जरूर आप कराऊंगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, सुब्रतो कप किससे संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है, बहुत पुराना कप है, ऑप्शन नंबर है। अब अगला आप इतना याद कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन और देता हूँ, यहाँ बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी भी होंगे हमारे। अभी आप बताइए, जो ICC T20 जो मैच चला था हमारा, उसमें कौन सा देश विनर रहा, ऑस्ट्रेलिया था या न्यूजीलैंड था या इंग्लैंड, कौन था मुझे बताइएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था। तो आप देखते हैं जो गणेश चतुर्थी है, महाराष्ट्र साइड में, मुंबई साइड में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, गणपति बाप्पा मोरिया, आमचे महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो अब तो ये सब जगह बनाने लगा है, लेकिन महाराष्ट्र में ज़्यादा बनाया जाता है। तो ये वहीं के एक व्यक्ति थे, स्वतंत्र सेनानी थे, उनके द्वारा शुरू किया गया था, जिनका नाम है बाल गंगाधर सिंह, बाल गंगाधर। दिलवाए मेरे तो यही इच्छा है।
आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है। तो आप सब जानते हैं बहुत सारे घास स्थल का अलग नाम दिए जाते हैं, ठीक है ना, स्टेपीज है, कहीं डाउन्स है, कहीं पे वेल्ड है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया घास के मैदानों क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान जो होते हैं उनको कहा जाता है डाउन्स, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, सवारा जानते ही, अफ्रीका में बहुत बड़ा घास के मैदान है, प्रेरी कहाँ? उत्तरी अमेरिका में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और वेल्ड अफ्रीका में। मलेरिया रोग के प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, यानी आप सब जानते ही हैं मलेरिया की जो सबसे प्रभावी होती है वो कुनैन होती है, ठीक है ना। तो कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, ठीक है ना। तो जो कुनैन है ये एक्चुअली होता है क्या है, ये सिंकोना की छाल से इसको प्राप्त। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एल्प्स, रॉकीज, एंडीज या हिमालय? तो फ्रेंड्स, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो मानी जाती है विश्व की वो कौन सी मानी जाती है? आल्प्स? नहीं। रॉकीज? नहीं। एंडीज? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एंडीज, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे टॉप 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, ये रिवीजन क्लास थी, आज थोड़े कम क्वेश्चन है, लेकिन मैं अगली वीडियो में क्वेश्चन के जो नंबर क्वेश्चन है वो बढ़ा दूंगा मैं। फिलहाल आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन एक और है, वो क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75, ठीक है ना। तो ये होमवर्क क्वेश्चन के, तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन। आप अपने क्वेश्चनों को रिवीजन कीजिए, कर लीजिएगा, और फिर भी कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल जो, ठीक है ना, मिलते हैं आपसे कल।